क्या आप सोच सकते हैं कि इस कंटेस्टेंट के आने के बाद शो में क्या हुआ होगा? कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन अल्ताफ। जी सर। बैठ जाए। थैंक यू सर। तो यास्मीन अल्ताफ साहब, आप बहुत ज्यादा माशाल्लाह के काम हैं, पुरसकून रहती हैं, और सिर्फ आप ट्रैवलिंग बहुत करना चाहती हैं। मैं करना चाहती हूँ, बट घर से परमिशन नहीं मिली। घर से परमिशन नहीं। मूवीज देखती हैं आप बहुत? बहुत ज्यादा। इधर भी एक मूवी चल रही है, मैं आपको बताता हूँ। I'm a film। ये है लाशारी साहब। जी, लाशारी साहब से किसी ने मोहब्बत की और इनको भी मोहब्बत। नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि जाहिर है वो obviously सर वो। मैं जानता हूँ कि तू गैर है, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। क्या बात। तो अब ये कि गैर है वो हो ना सके, और अभी आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तू ना सही, कोई और सही। अच्छा, तू ना सही, कोई और सही, कोई और सही, कोई और सही। ये इसका मतलब ये कि तू अगर बेवफा सही तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। यार आप तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो जो थी, जो भी थी, वो फरबा जी नहीं, बतली थी। मैं आपको सिर्फ एक हिंट देना चाहता हूँ। हिंट बता दे। इंडियन एक्ट्रेस है एलिना डिक्रूज, उनसे बिल्कुल मिलती थी। Oh my God। अच्छा ये बताएं आपकी ये जो कहानी है, मैं थोड़ी इनको बताता हूँ। असल में इनकी मोहब्बत हुई। All right। अब बहुत शदीद मोहब्बत हुई, इतनी शदीद मोहब्बत हुई कि अपने घुटने की फाड़ छोड़ी। दूसरा बाकी है क्योंकि अब एक और मोहब्बत हो सकती है। एक और मोहब्बत है। मुसन्निफ है, किताब लिखी है उन्होंने, होस्टिंग करते हैं, बासलाहियत आदमी। Great। और दोबारा मोहब्बत करना चाहते हैं। Okay। अब जरा आप बताइए क्या हुआ है आपके साथ, कोई कहानी है आप? मैं चाहता हूँ कि आप खुद बताएं। कहानी ये है कि सर मेरी बहुत अर्ली एज में शादी हो गई थी, इट वाज इमैच्योरिटी मैरिज कह सकते हैं, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। और चूंकि मैंने इसमें भी एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने मेंशन किया है कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, मेरे जो छोटा देवर, ही ट्राइड ऑन मी। मतलब जब मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे तो वो रात को रूम में आ गए थे, और मीन्स He want to try something। So, ये बात obviously मैंने अपने हस्बैंड को बताई, उन्होंने ये बात डिनाई कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। So, ऐसे आदमी के साथ जिंदगी गुजारना आई गेस बेटर नहीं था, जो अपने घर में रहकर अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये आपसे नहीं पूछूंगा कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की। असल में मैं बहुत ओपनली प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं नहीं चाहता कि वो ओपन right। और ये हर इंसान की अपनी फितरत होती है, और कोई होस्ट होता तो पूछता आपसे, मजे लेते हैं इस बात से। मैं इस बात के मजे नहीं ले सकता, तो मैं बड़ा दुखी हूँ आपकी बात सुनकर। लेकिन ये कि जिंदगी आगे बढ़ती है। Exactly। फिर आपने क्या किया उसके बाद? आपने तलाक तो हो गई होगी फिर? उसके बाद सर मेरी एज बहुत कम थी, आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम, और फिर मैंने अपने घर में जॉब के लिए बात की। चूंकि मैं अपने खानदान की वाहिद बंदी हूँ जो इतनी सोशल हूँ, इतनी इंडिपेंडेंट हूँ, तो मेरे फादर ने इस बात को डिनाई किया। हमारे खानदान में लड़कियां जॉब्स नहीं करती। मामा ने मेरा साथ दिया, मामा ने कहा अगर ये अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है तो दैट्स ओके। उसके बाद जॉब स्टार्ट की। अच्छा, फिर उसके बाद सर अपना करियर स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ी बड़ी जॉब्स की हैं। बड़ी बड़ी से मुराद सर मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी जॉब्स, लाइक बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े जॉब, बड़े बड़े लोग। रीजन प्लाजा में मैंने आपकी वजह से जॉब ज्वाइन की। मेरी जो वजह से कि मैं वहाँ काम करता था। जी, मतलब ये कि मैं आपसे मिलना चाहती थी, मैं वहाँ पर शो करता था, मैंने 5 साल किया वहाँ सर। मेरी 5 साल में भी आप मिल ना सकी, ये कह सकते हैं कि जब मैंने अप्लाई किया उसके बाद आपने वहाँ से काम छोड़ दिया और मुझे जॉब मिल गई। मैं आपका बर्थडे था, आप वहाँ पर एक रमजान ट्रांसमिशन कर रहे थे, आपका बर्थडे था, मैं वहाँ आई थी, मैं लॉबी में आई थी, काफी देर तक मैंने उनसे बहस की कि मुझे जाने दें, मैं मिलना चाहती हूँ, सिर्फ आपके लिए केक और वो बुके लाई थी, वो देना था मुझे। शायद मिल गया होगा मुझे, तो केक वगैरह बहुत है, तो मुझे मिलने नहीं दिया गया आपसे, लेकिन मैंने वहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब मुझे बाद में जॉब मिल गया। चले कुछ तो मिला। राइट, ये कैसे लगे आप सर? ये अच्छे है, इनसे ऑडिटोरियम में भी बात हो रही। अच्छा, पहले से सेटिंग हो रही? नहीं नहीं, इन्होंने ये तो कहीं पर भी दिल फेंक सकते हैं। देखिए दोनों अच्छे लग रहे हैं, ये क्या आपको कैसी लगी है? प्यारी है माशाल्लाह। मैंने इनको बोला था कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इन्होंने ये कहा था कि हमारे ग्रुप में से अगर कोई सेलेक्ट होगा तो तुम होगी। मैंने कहा आई डोंट थिंक सो, बाकी लक के ऊपर है। नहीं, सेलेक्ट तो आप दोनों हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अभी तो मैंने आपसे कुछ कहा नहीं है, मैं तो अभी पूछ रहा हूँ। वैसे आपको ये अच्छे लगे? जी सर अच्छे हैं। और ये आपको भी अच्छे लगे? तो दोबारा मोहब्बत करने का इरादा हुआ इनको देखकर? मोहब्बत अब होगी नहीं, क्योंकि जो मोहब्बत मतलब हमने की और जो उसका सिला मिला वो बहुत अच्छा। आपने क्या क्या किया उस मोहब्बत?
ग्लास तोड़ के बाहर आ गए। कुछ तो किया होगा यार, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं सर, हमारी यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई। यूनिवर्सिटी में? कौन सी यूनिवर्सिटी? उस वक्त मैं एक सखर आईबी में पढ़ता। अच्छा, सखर आईबी। अच्छा, तो वहाँ यूनिवर्सिटी में हुई मुलाकात, सखर भी थे दोनों, तो फिर ये झगड़ा क्यों होगी? वही हमारे यहाँ नहीं होता ना ऐसा कुछ भी। ये कैसी मोहब्बत है? बाद में जब उसने बहाना बनाया ना, तो ये होता है ना लास्ट में कोई ऐसा बहाना बना देते हैं कुछ भी, घर वाले नहीं मान रहे, या आजकल मीम्स बन रहे हैं कि कजन ने, हम लोग साथ काम कर रहे थे तो वो रिंग आ गई इसलिए बस वो कर रहे हैं, तो वो उसने ऐसा बहाना बनाया कि मुझे मुसलमान से नहीं करना कुछ भी। मतलब घर से कोई हुआ होगा मसला मे बी, तब आप मुसलमान पसंद कर ले बराबर नहीं। नहीं, ये बहुत अच्छी है, मैं पहले कह चुका हूँ आपसे। अच्छा भाई लाशारी साहब, आपने ये करना है कि इनको प्रपोज करना है, प्रपोज समझते हैं आप? जी बिल्कुल। मैं आपको समझा दूं, तो आपने जाना है टायर के पास, टायर के पास जाएंगे आप, फिर यहाँ आएंगे और ये इधर बैठी होंगी, ये यहाँ से उठाइए भी नहीं, एक जगह बैठेंगे। ठीक, ये उठेंगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। राहों में मर जाओ या बाहों नहीं मर? नहीं सर, थोड़ा बाहों में मर जाओगे? मर जाऊंगा। देख समझ के गाओ, बाहों में गए तो मर जाओ। मुझे मरना मंजूर है। तो मरना मंजूर है? बहुत मोटी मोटी भाई ये, रेस्टर की भाई मंजूर है मुझे। तुम्हारी आंखों में, मेरी आंखों में ना प्यार। यार देख क्या, मेरी नजर ऐसी है ना, तुम्हारी आंखों में छुपा हुआ मेरे लिए जो प्यार है वो मुझे साफ दिख रहा है। अच्छा, पुराने छिछोरे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, आपने यानी कि आंखों में अपना छुपा प्यार दिख लिया, जो आपके लिए प्यार जो कि है ही नहीं है, 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 बहुत नजर आ रहा है अभी। ओह रियली? लाइटिंग भी देखी ना, लाइटिंग इतनी अच्छी लगी हुई है, लाइटों की चमक होगी। अच्छा, लाइटों की चमक चमक है प्यार, हर चमकने वाली चीज जो है सोना नहीं होती भाई। बिल्कुल, देखो वो जैसे रणबीर कपूर नहीं बोलता, तुम मेरा प्यार ठुकरा रही हो सोच लो। हाँ सही बात, बैठे आप, तशरीफ रखिए, प्रपोज कर दिया आप, आप जवाब दे, उनको जवाब दे, बराबर में आ गया, फिर क्या ख्याल है? सोचेंगे इस बारे में। मतलब अभी आप ये कह सकती है कि मैं, मतलब ये कि मुझे अभी अभी मुनासिब नहीं लग रहा। एग्जैक्टली, मुझे अभी मुनासिब नहीं लग रहा। इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट एक्टिंग, कह आप बस ये कह सकते हैं, मगर इन्होंने अच्छी एक्टिंग की है, कोई ऐसी खराब एक्टिंग नहीं, अच्छी की, अच्छी ट्राई थी। असल में इन्होंने इतने बारे में लिखा है, मैं बता देता हूँ क्या लिखा, जब से इनका ब्रेकअप हुआ है ये उसके बाद से बॉय हो। हाँ, मैगजीन में बता जाना भाई, बॉय था मैं, था मैं बॉय, अब नहीं है, अब नहीं हूँ। अब क्या है, अब लोग आपसे प्ले करते? नहीं फिर ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। आपने लिखा है इसमें कि मैं बॉय हूं? लिखा है बिल्कुल, मैंने लिखा है कि आफ्टर माय ब्रेकअप आई बिकेम बॉय, एंड उसका रीजन ये था कि मुझे जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो वो ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे लगा कि अब मेरी जो लाइफ है वो किसी काम की नहीं है, मेरा ये जिस्म जो है ये मतलब फजूल है, रद्दी के बराबर है, इसका क्या काम है अभी। किसी एक के चले जाने से हम अपनी लाइफ को क्यों स्पॉइल करें? जिससे शिकारपुर के अचार खा के भी समझ मारेंगे, शिकारपुर के अचार मशहूर है, जिंदगी है ठीक है, ये नहीं कोई और सही। देखिए ये अभी मुझे इस बातें समझ आ रही है, लेकिन उस वक्त ये बड़ा मुश्किल। अच्छा आप प्रपोज करें, आप मतलब क्या है? तुम्हारा पहला फर्स्ट नाम भूल गई मैं। मुसव्विर है ये? आर्टिस्ट? आर्टिस्ट। मुसव्विर? मुसव्विर लाशारी। मुसव्विर लाशारी, एक बात कहूँ तुमसे? जी फरमाइए। यार देखो सो गलत मत लेना, कल जब हम आए थे ऑडिशन के लिए, हम सुबह सुबह हम साथ ही एंटर हुए थे, तो तब से जो तुम्हारा फर्स्ट लुक था ना बड़ा अच्छा लगा था, घर जाके भी मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था। सोचा था खाली या? नहीं ऐसा अच्छा। कुछ नहीं हुआ, बस तसव्वुर किया जी। और अभी जब हम बाहर गए थे खाना वगैरह खाने, वहाँ पे भी तुम पीछे आ गए, तो मुझे ऐसा लगा शायद तुम मुझे फॉलो करते हुए आयो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है वैसे। मैं इंडायरेक्टली तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। करो करो करो। अच्छा फिर क्या हुआ उसके बाद? आपको अच्छा लगा कि जब नीचे? एनीवेज सो फिर ऑडिटोरियम में भी हम साथ बैठे हुए थे, मजाक मस्ती की, तो अच्छा लगा था तुम्हारे साथ बातें करना, टाइम गुजारना। टाइम गुजारना अच्छा लगता है? और मैं सोच रही थी कि शायद हमें थोड़ा टाइम और गुजारना चाहिए दूसरे के साथ। मैं सोच रहा हूँ इस बारे में, लेकिन अगर बोल हाउस में गए तो मुझे आपको जानने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाएगा। एग्जैक्टली, हम जब बोल हाउस में, मैं भी देख रहा हूँ क्या हो रहा है, साथ साथ रहेंगे तो एक दूसरे का नेचर जान लेंगे, आदतें जान लेंगे, अच्छाई बुराई सब साथ साथ रहेंगे। तो आपने तो इरादा कर लिया पूरा, इनका प्रपोजल बहुत अच्छा था भाई।
आपने तो यार पता है गाना गा दिया अजीब से, मुझे लगा कि शायद इन्होंने बहुत अच्छा, इन्होंने तो पूरी तफसीलात बयान की है, साथ साथ रहेंगे तो एक दूसरे को जान लेंगे, ये तो बहुत आगे का सोच रही है भाई। तो अब ये कि आप दोनों के बारे में क्या करना चाहिए ये सोच रहा हूँ कि सिलेक्शन में क्या करें। सिलेक्शन हो जाना चाहिए हमारा हो जाना चाहिए, हम बहुत एंटरटेनिंग है, हम मजा करेंगे वहाँ पे जो है। मजा क्या करेंगे? मेरी एक आदत है, मैं जल्दी अगर कहीं पे बैठ जाऊँ ना तो मैं बोर हो जाता हूँ। हाँ। तो मैं आप कहीं बैठिएगा कि एक जगह पे कभी नहीं बैठेगा, आप मुख्तलिफ जगह चेंज काम भी कराने पड़ते हैं, जगह हमेशा चेंज करते रहिएगा, आदमी बोर हो जाता है एक ही जगह बैठे। लेकिन मैं ऐसा नहीं सर। आप दोनों वेटिंग पर बैठे, मैं फैसला करता हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।